हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। और यहाँ पे देखो हमारा टोमी टोमी ओबेरे। तो गाइस, आज फिर से हम जा रहे हैं एक अच्छा सा व्लॉग करने, और हमारे साथ हैं नदीम भाई। क्या हाल है नदीम भाई? बस बढ़िया। तो आज हम दो ही हैं, बाकियों को फ़ोन किया था, उन्होंने तो फ़ोन उठाया नहीं। तो टाइम भी आप इस टाइम पर दे सकते हैं, 6 होने वाले हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं, तो आपको आगे मिलते हैं। अभी सो गाइस, फ्यूल अप करवा रहे हैं अपनी बाइक में, तो फ्यूल कम था तो आगे भी शायद पेट्रोल पंप बंद ना होता, यहीं से डलवा लेते, आगे जाके खज्जल ना हो जाए हम। आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आगे। ओ भाई, भाई। साहब, तो गाइस ट्रैफिक देख रहे हो आप, यहाँ से इतना ट्रैफिक लगा हुआ है। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। अभी हम रात को कोई 2 बजे पंचपीर गए ऊपर, मेरे को अचानक से ख्याल आया कि भाई मैं गूगल मैप देख रहा था, मैंने कहा जाते हैं जरा ऊपर देखते हैं कैसा रोड है, वहाँ से जम्मू का व्यू कैसा आता होगा। और मेरा एक फ्रेंड रेडी हो गया तो दूसरा रेडी नहीं हुआ, बोलता नहीं मैं नहीं आऊँगा वहाँ पे, शेयर वगैरह होगा, वो तो नहीं आया। मैं और मेरा फ्रेंड चले गए और वहाँ पे पूछे, तो पहले तो हमने खरगोश देखा रोड में, खरगोश के बाद हमने फिर थोड़ा सा ऊपर गए तो सांप देखा। हम चलते गए, रोड इतना सेक्सी बना है उसका, तो हम चलते गए चलते गए आगे पहुंचे, तो अंकल एक आगे अचानक से आगे ठंडा ठंडा ले गए, हमारी फट गई, पता नहीं क्या सीन होगा। तो बोल रहे किसी को लगी है, उसको ले जाना है, ये करना है, वो करना है, पता नहीं क्या साइन होगा उसको। तो हमने वहां से सीधे से अपनी जान बचाई और वहां से निकल। तो गाइस ये रहा सामने टनल, ये पहला टनल है। इसके बाद आता है 7 मई दूसरा, 3 की 4 टनल है गाइस यहाँ पे, एक तो बहुत बड़ा है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस जैसी लोकेशन पे, आप देख रहे होंगे व्यू कितना सेक्सी आ रहा है यहाँ का, और हमारे पीछे साइड है जजल कोटली, लेकिन हमें जाना है कहाँ, देवी पिंडी देवी जी के दर्शन करने। तो अभी चल रहे हैं, अब पूछते हैं किसी से आगे रास्ता, यही आई होप यही हो। अभी हम पहुंच चुके इस जगह की लोकेशन पे, पता नहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं क्या नहीं, तो वैसे सिंगल वे रोड है, लेकिन यहाँ की सीन भी बड़ी सेक्सी, आप व्यू चेक कर सकते हो। इनको पूछ ले कितना दूर। गाइस हम निकले थे 6 बजे, लेकिन अभी लगभग तकरीबन 9 बजने वाले हैं। अभी तक देवी पिंड का रास्ता हमें कोई बोल रहा है 5 किलोमीटर है, आगे पूछते बोलते 10, फिर कोई 15 बोल रहा है, कोई बोल रहा है थोड़ा ही से 1 सेकेंड लगेगा, तो तब से चल रहे हैं। तो अब बोल रहे कोई ऑफ रोड जैसा आएगा तो वहाँ से ले लेना, अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ से तो थोड़ा थोड़ा आता हुआ है खड्डे, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। गाइस मिलते हैं आपको आगे। यहाँ पे लगी है बाइक अपनी, अब नीचे भी पूछा हमने उनसे रास्ता, वो बोल रहे हैं कि झरना आएगा, कोई बोल रहा है 5 किलोमीटर, कोई बोल रहा है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कोई 15, फिर से 7। अब हमने डिसाइड किया कि रोड ऊपर ही जा रहा है, तो हम ऊपर ही जा रहे हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है ऊपर जाते हैं।
तो आपको मिलते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या जगह का नाम, देवी पिंडी अगर हमें। गाइस फाइनली हमें अपना ये मिल गया देवी पिंडी ट्रैक यहाँ पे, और ये है नदीम भाई, और आप देख रहे हो लोकेशन कितनी सेक्सी है यहाँ पे, क्या सेक्सी व्यू है। और हमने बाइक उधर लगाई, वहाँ पे इनकी सीआरपी वालों की चौकी है, तो हमने कहा सेफ ही रहेगी वहाँ पे, तो ये रहा। तो चलो चलते हैं अब आगे हम। 10 मिनट से चढ़ रहे हैं, ये देख रहे हो चढ़ाई, यहाँ से हम पहुँच रहे हैं अब इधर। ये रहे हमारे नदीम भाई, ऊपर ही जा रहे हैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। और ये देखो, मैं तो ऑब्वियसली नेचर लवर हूँ, जिनको पता नहीं है मैं लिंक दे दूंगा अपने इंस्टाग्राम का कि मैं नेचर फोटोग्राफी करता हूँ, वो देख लेना। और यहाँ पे भी लिखा है किसी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो आगे चल रहे हैं और नितिन भाई देख रहे हो दौड़ रहे हैं। तो गाइस जल्दी चलते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं, आपको भी व्यू दिखाते हैं। तो इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आपको भी ये जगह पता चलेगी कि कैसी है, आप भी आओ यहाँ पे घूमने के लिए। अच्छी जगह वैसे, जहाँ से भी रोड भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा ऑफ रोड है, उसके बाद पैदल चलना है। तो चलते हैं आगे, अब आपको मिलते हैं सीधा वहाँ पे। और ये देखो आप व्यू देखो, आप कितना अच्छा व्यू है। और पानी देखो, बिल्कुल ठंडा पानी है, बिल्कुल साफ पानी है ये यहाँ पे। तो आपको सीधा आगे मिलते हैं गाइस, देख सकते हो आप। तो ये मेहरा भाई के लिए वीडियो खास तौर पे चैलेंज है, यहाँ पे ऑफ रोड करना है आपको इस जगह पे। देख लो मेहरा भाई, इस जगह पे आपको ऑफ रोड करना है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम देवी पिंडी आना। और यहाँ से ये देखो ऐसे नीचे, ये देख रहे हो ऐसे ऑफ रोड करने, जैसे ये नीचे जा रहे हैं, और सीधा जूम करके उधर रुकना है, तो हम चल रहे हैं आगे गाइज। बहुत धूप हो रही है, देख सकते हो आप सामने फ्रंट। और यहाँ पे हमें देवी पिंडी का ट्रैक तो मिल चुका है, लेकिन वो पानी खाली दिखा रहे हैं यहाँ से कि आओ मेरी तरफ बढ़ते जाओ, और हम चलते जा रहे हैं। बहुत भूख लगी है, ब्रेकफास्ट भी नहीं सुबह किया है। चलो अब देखते हैं क्या सीन रहता है वहाँ पे पहुँच के, इन्जॉय व्लॉग। हम इस लोकेशन पे पहुँचे और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसी के ऊपर से जाऊँ, और रास्ता देख रहे हो आप, ये डिसाइड करें कि ये डिसाइड करें निदिम भाई। आगे से भैया आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कितना आगे हो। देवी पिंडी पहुँचना है, इतनी मेहनत कर रहे हैं गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से। हम ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं आपसे, 1K तो मेरे और नदीम के करा दो, 1K करा दो, उसके बाद आपको ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग मिलते रहेंगे। और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है गाइस। फाइनली हम देवी पिंडी पहुँच चुके हैं बिंडी खाने। और चेक करो गाइस, आप व्यू चेक करो भाई, ऐसा नहीं लग रहा है मेरे को मैं कश्मीर वाली साइड आ चुका हूँ कहीं, जैसे यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है, वो देखो आप पहाड़, उस साइड पहाड़ है, इधर से पहाड़ है। और पानी, वो इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। तो अब चलते हैं नीचे, गोते मारते हैं और आपको दिखाते हैं, और यहाँ पे तो मज़ा आएगा नहाने में इस जगह पे। तो गाइज़ हमने नहाशा के ख़त्म कर लिया, फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे आए, हमने कहा देखते हैं इस जगह पे क्या है। तो ये देवी पिंडी मंदिर है इस जगह, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बेस्ट व्यू है, यहाँ पे अच्छा है, नेचर भी है, पहाड़ बिल्कुल पहाड़ों के बीच है, और पानी यहाँ का बिल्कुल साफ़ है गाइज़। तो आई होप आप सबको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और हमारे साथ है नदीम भाई, इनके चैनल पर जाके इनको ढेर सारा प्यार दो, और इसके साथ मेरे को भी। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे प्यार बनाते रहो, जल्दी से हमारे 1K कर दो गाइज़। तो आज के व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, बाय बाय।